क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को बेहद शानदार अंदाज में 80 रन से हरा दिया और ये इतनी बड़ी जीत है कि इसे टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से पारी की हार कहा जा रहा है। मगर ये जीत ऐसे नहीं मिली, महेंद्र सिंह धोनी ने मैदान में जो जौहर दिखाए वो तो कमाल थे। और इसी दौरान सीएसके की पारी के 20वें ओवर में हंगामा हो गया क्योंकि रायडू धोनी की बात माने ही नहीं। फिर तो धोनी ने रायडू से भी बदला लिया और दिल्ली कैपिटल्स से भी बदला लिया, तो आप भी धोनी के लिए कमेंट जरूर करें। 19 ओवर पूरा होने के बाद चेन्नई का स्कोर था 158 और 20वें ओवर में धोनी स्ट्राइक पर थे तो उम्मीद थी कि ठीक ठाक स्कोर बनेगा। पहली बॉल पर कोई रन नहीं बना और दूसरी बॉल पर 2 रन हो गए। तीसरी बॉल पर धोनी ने बेहतरीन चौका मार दिया। अब जैसे ही ओवर की चौथी बॉल हुई तो धोनी ने शॉट तो मारा लेकिन बॉल बहुत ज्यादा दूर नहीं गई, मगर इधर अंबाती रायडू रन के लिए दौड़ पड़े। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि आखिरी ओवर में धोनी स्ट्राइक अपने पास ही रखते हैं क्योंकि वो क्या कर सकते हैं ये खुद धोनी भी अच्छी तरह जानते हैं, मगर यहाँ पर रायडू जबरदस्ती स्ट्राइक लेने की कोशिश में दौड़ पड़े और बिल्कुल धोनी के पास पहुंच गए। अब धोनी अचानक से रायडू को सामने देख पर सकपका गए लेकिन फिर भी ना चाहते हुए दौड़ पड़े क्योंकि अगर धोनी नहीं दौड़ते तो एक खिलाड़ी रन आउट हो सकता था। अब रन पूरा करते ही धोनी रायडू को कुछ कहने लगे और शायद यही था कि रन को नहीं दौड़ना था। धोनी काफी गुस्से में दिख रहे थे मगर रायडू तो दौड़ चुके थे और इसके बाद धोनी ने बदला कैसे लिया ये देखिए। ट्रेंट बोल्ट ने अगली बॉल वाइड यॉर्कर डाली, बॉल काफी बाहर थी और रायडू का बल्ला तक नहीं लगा, मगर इधर तो गेंदबाज के गेंद फेंकते ही धोनी भी एक्सप्रेस की रफ्तार से दौड़ पड़े। धोनी गेंदबाज से भी आगे निकल गए और यहां तक कि जब तक विकेटकीपर ऋषभ पंत के पास बॉल पहुंची धोनी दूसरे छोर पर पहुंच गए थे और एक रन पूरा हो गया, यानी बॉल वाइड भी थी और रन भी हो गया। अब धोनी ने रायडू से स्ट्राइक तो वापस ले ली मगर अब बारी थी दिल्ली कैपिटल्स की। इसके बाद पारी की आखिरी दो बॉल पर धोनी ने बड़ा धमाल मचा दिया जिसके लिए धोनी खुद अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते थे। पांचवी बॉल पर धोनी ने मिड विकेट पर लंबा छक्का मारा तो आखिरी बॉल पर डीप स्क्वायर लेग पर छक्का जड़ दिया और पूरे ओवर में 21 रन बटोर लिए। तो धोनी का अंदाज अब लोगों को खासा पसंद आ रहा है, तो आप भी धोनी के लिए कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।